श्रीलंका को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए वहां की सरकार ने बड़ी पहल करते हुए देश के 100 से अधिक शहरों ने सिगरेट बेचने पर बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश में सिगरेट से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाया था। इसके बाद कई शहरों के दुकानदारों और व्यापारियों ने सिगरेट बिक्री के बहिष्कार का निर्णय लिया है। अब तक श्रीलंका के 107 शहर इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री रंजीता सेनार्त्रे ने बताया कि साल 2019 में इनकी संख्या 200 हो जाएगी। आपको बता दें कि श्रीलंका सरकार ने देश में तंबाकू उत्पादों पर रोक लगाने के चलते कई कदम उठाए। तंबाकू पर अधिकतम टैक्स 90% करने के साथ ही सिगरेट के पैकेट के 80% हिस्से में चेतावनी चित्र चिपकाने का निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, श्रीलंका सरकार साल 2020 तक तंबाकू के उत्पादन पर रोक लगाने पर भी विचार कर रही है।